सो अब मान लेते हैं ये जो मॉइस्चर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है इसका कुछ इसकी वैल्यू आई 50%। तो 50% एक वैल्यू है एंड मैंने इसके अंदर उसको इनपुट पैलेसी करके रखा है, जो प्रोग्रामिंग होती है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उसको मैंने पैलेसी सेट करके रखा है। तो वो अभी एक्चुअली जो प्रोग्राम वैल्यू 60% है, अगर मॉइस्चर कंटेंट 60% के नीचे चला जाता है तो पंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा एंड पानी सप्लाई करेगा, क्योंकि प्लांट्स को पानी की जरूरत है। अभी प्लांट्स को 60% पानी चाहिए एंड 60% पानी चाहिए। जब 60% से नीचे मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा तो पंप ऑटोमेटिकली पानी सप्लाई करेगा एंड 60% के पानी ऊपर चला जाएगा तो पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा कि जो पानी जो ओवर यूज हो रहा है वो नहीं होगा। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर पानी है, जो पानी है 60% से ऊपर है इसलिए पंप ऑफ हो गया। देख रहे हैं पंप ऑफ है अभी, जब इसको मैं निकाल दूंगा तो पंप ऑन हो गया। दिख रहा है, जब वापस से डालूंगा पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इसको पता है कितना पानी प्लांट्स को चाहिए तो उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता है। अभी 60% से ऊपर है पानी तो ये पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। अब जब मैं निकाल दूंगा इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अभी 0% तो इसलिए पंप ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो इससे ये फायदा होगा जो प्लांट्स है ना उनको उतना ही पानी मिलेगा जितना रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा अमाउंट का पानी वेस्ट ही नहीं होगा। ओके, तो यही था मेरा प्रोजेक्ट, यही है ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम।